रायगढ़ जिला राशन विक्रेता संघ के बैनर तले जिले के राशन विक्रेताओं ने प्रदर्शन किया। राशन दुकान बंद कर सरकार द्वारा POS मशीन को काटा के साथ कनेक्ट करने के विरोध में कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राशन विक्रेताओं का कहना है कि टोल काटा में POS मशीन कनेक्ट करने से उन्हें और उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इससे राशन वितरण में देरी होगी। नेट कनेक्शन भी स्लो रहने के कारण वितरण प्रभावित हो रहा है। उनकी मांग है कि POS मशीन को कांटा से कनेक्ट नहीं किया जाए और अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में सभी विक्रेता PDS दुकान की चाबी कलेक्टर महोदय को सौंप देंगे। इस पूरे मामले में हमने जिला खाद्य अधिकारी से बात करने की कोशिश की लेकिन वो ऑफिस से नदारद रहे। लेकिन अब देखने की बात यह होगी कि अगर राशन दुकानें बंद रहेंगी तो हितग्राहियों का क्या होगा, उन्हें राशन कैसे मुहैया करा पाएंगे, ये सोचने वाले विषय है। मेरा नाम रविंदर सिंह भाटिया है और विक्रेता संघ रायगढ़ का उपाध्यक्ष पद बताएंगे। आज यहाँ क्या मांगों को लेकर आए हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले हमारी मांग ये है कि मार्च माह से केंद्र सरकार की एक बहुत ही जन कल्याणकारी योजना थी POS मशीन, उसको यहाँ लागू किया गया और सभी लोग विक्रेता जितने भी सहस राज्य कर लिए। लेकिन उसमें तकनीकी प्रॉब्लम यह थी, शुरू शुरू में था तो नेट का प्रॉब्लम या अंगूठा नहीं आने का प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या थी। लेकिन फिर भी विक्रेता संघ इसको ले देके खींचते खींचते इस समय तक ले आया। अभी क्या हुआ कल से कि POS मशीन और काटा जो अपन खोलते हैं उसको एक दूसरे से कंटेक्ट किया गया। उसमें समस्या ये है कि जैसे मान लो उदाहरण के तौर में मैं आपको 20 किलो दे रहा हूँ और 20 किलो ही जब कांटे में हो पाएगा तो वो POS मशीन अपने आप कंटेक्ट हो जाएगी। अगर 20 किलो 10 ग्राम होता है तो नहीं लेगी, या 19 किलो 900 ग्राम होगा तो नहीं लेगी, या किसी भी कारण से वो दिक्कत होती है कि हमारे को जैसे सोना तोलते हैं दाना दाना करके डालना पड़ता है और जैसे ही 20 किलो होगा वो मशीन कंटेक्ट हो जाएगी, आपकी जारी हो जाएगी। उसके बाद शासन दूसरी प्रकार से शक्कर देती है, शक्कर को हमको एक बार तोलना है, उसके बाद PMI का जो चावल है उसको तोलना है, फिर CG का जो चावल है उसको तोलना है। एक ही योजना तो को चार बार तोलना पड़ता है और चार बार के कारण क्या है, विक्रेता को भी दिक्कत होती है और जो हितग्राही में लंबे समय से लाइन लगता है तो उनके गुस्से का प्रकोप विक्रेता को झेलना पड़ता है, जिसके कारण एक दिन में अपन 4 से 5 घंटे में 15 से 20 कार्ड ही एंट्री कर पाते हैं। और दूसरा कारण क्या होता है कि जैसे शासन का नियम है कि कोई अपाहिज व्यक्ति होता है या जैसे चल नहीं पाता तो घर जाके उसका अंगूठा लिया जाए और उसको राशन उसके घर या किसी भी व्यक्ति को दिया जाए। अब हम घर जाके अंगूठा ले नहीं सकते, कारण क्या, POS और कंटेक्ट दोनों आपस में टोल मशीन, उसके कारण हितग्राहियों को भी और विक्रेताओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना होना पड़ रहा है। और दूसरी समस्या ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जैसे बारदाने का पैसा 2019 तक हमारे को अभी तक कोई बारदाने का पैसा नहीं मिल रहा है, और मिलता भी है तो पहले 50%, फिर 25%, फिर 25%। ये कई तरीके की खामियाँ हैं जिसको हम लोग कलेक्टर महोदय को अपनी बताएंगे, हमारी समस्या ये है और कलेक्टर महोदय क्या हमको आश्वासन देती है, उसके बाद आगे कदम हम मशीन और दुकान की चाबी भी आप सौंप रहे हैं? नहीं, अभी यहाँ चाबी नहीं सौंप रहे, तो जो वितरण है उसको पूरा तरह बंद कर दिया गया है और आश्वासन के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। कितने दिनों तक बंद रहेगा वो, कलेक्टर महोदय के ऊपर में कि हमको कितने दिन का आश्वासन देती है, अभी हम लोग कोई तय नहीं। मांग पूरी नहीं होती तो और भी क्या करेंगे? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो सामूहिक रूप से सभी लोग एक साथ दुकान छोड़ेंगे और चाबियां जो है यहाँ कार्यालय में पहुँचा देंगे, शासन अपने हिसाब से चलवा सकते। दुकान संचालक विक्रेता संघ ज्ञापन देने आए हैं और अपनी विभिन्न मांगों अपनी समस्याओं को लेकर, इसमें उनका मुख्य समस्या है कि ही पास से जो राशन वितरण कर रहे हैं उसमें समस्या आ रही है, जिससे कारण उपभोक्ताओं को शीघ्र जल्दी से जल्दी हम नहीं दे पा रहे हैं, उसकी समस्या का निराकरण करने का होता है। क्या कुछ प्रयास किया जाएगा सर समस्या को उसका निराकरण किया जाए?